तो चलिए आज का व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं 8:40, और अभी मैं कॉलेज से लौटा हूँ। तो तुरंत जैसे मैं घर में एंटर किया, देखा कि Zomato पे काफ़ी सारे ऑर्डर आ चुके थे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्डर हैं। तो फटाफट मैं भी व्लॉग करने में लग जाता हूँ। तो यहाँ पे पैकिंग चल रहा है, और जैसे जैसे खाना बनते जा रहा है पैकिंग होते जाएगा। तो चलिए अब आपको किचन में दिखाते हैं कि खाना कैसे प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे सत्तू के पराठे बन रहे हैं, जैसा कि ऑर्डर में आया हुआ था 2 पीस सत्तू पराठा है। तो यहाँ पे तुरंत रेडी हो गया सत्तू पराठा, अब फटाफट इसको दे देंगे पैक करने के लिए। तो देख सकते हैं नॉर्मल आप लोग भी घर में बनाते होंगे वैसे ही बनता है। और यहाँ पे चावल का वेट किया जा रहा है, मतलब हम लोग 400 ग्राम देते हैं एक फुल प्लेट में, तो वही चेक करेंगे 400 ग्राम है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं 403 ग्राम है, तो इसको फटाफट पैक कर देंगे। तो पैकिंग हो जाएगा चावल का, तो हमारा एक ऑर्डर रेडी हो जाएगा। तो एक ऑर्डर रेडी हो चुका है, तो देख सकते हैं मैंने एक ऑर्डर रेडी कर दिया है। 2 पीस हाफ प्लेट चिकन था, और बाकी सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑर्डर आ गया है, जो कि है 16 पीस प्लेन तवा रोटी का। तो ये तो अभी लेट से आया है, तो ये लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, उससे पहले काफ़ी ऑर्डर है, तो पहले वो सब प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने कुकर चढ़ाया था, तो उसमें मटर छोला प्रिपेयर हो रहा था, तो वो मैंने इंडक्शन पे चढ़ाया था। तो हम लोग ऐसे ही एक एक्स्ट्रा इंडक्शन लेके चलते हैं, ताकि ऑर्डर जल्दी प्रिपेयर हो सके। तो गैस चूल्हा है 2 और एक इंडक्शन, तो इससे काफ़ी हेल्प होता है और जल्दी से काम हो जाता है। यहाँ मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ कि अभी क्या क्या बचे हैं। तो 2 प्लेट तो अभी लिट्टी चुका है आलू स्टफिंग वाला, तो सबसे पहले तो यही है, तो पहले ये प्रिपेयर करेंगे। और इसमें भी टाइम देख सकते हैं काफ़ी कम है, 2.5 मिनट के आसपास का वक्त है। तो यहाँ पे फटाफट अमृत जो है वो चोखा का पैकिंग कर लेगा। यहाँ पे लिट्टी चोखा का स्टफिंग हो रहा है, जो कि आलू का है, इसलिए आलू का स्टफिंग किया जा रहा है। इसके बाद इसको फ्राई किया जाएगा। यहाँ पे काली चना का घुगनी है, जो कि लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, तो इसको अब पैक कर देंगे। यहाँ पे हमारा लिट्टी फ्राई हो रहा है, और इसको 10 मिनट कम से कम लगेंगे फ्राई होने में। तब तक यहाँ पे आलू मटर सब्ज़ी का पैकिंग हो रहा है, तो ये सारा ऑर्डर एक साथ ही रेडी हो जाएगा, तो एक साथ ही जाके नीचे देके आ जाएंगे डिलीवरी पार्टनर को।
तो हमारा लिट्टी रेडी हो चुका है, तो इसका फटाक से पैकिंग कर लेंगे ताकि जल्दी इस ऑर्डर को डिलीवर कर सके, वरना काफ़ी लेट हो चुका है इस ऑर्डर में। तो फाइनली ये ऑर्डर हो चुका है रेडी, तो फटाक से अमृत जाके नीचे दे आएगा और देख सकते हैं काफ़ी लेट हो चुका है, 20 मिनट ये वेट कर रहे हैं राइडर। तो काफ़ी कॉल भी आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, तो अभी भी एक ऑर्डर है जो काफ़ी लेट चल रहा है, तो उसको भी जल्दी से रेडी करेंगे ताकि वो भी जल्दी से जा सके डिलीवरी पार्टनर के पास। देख सकते हैं 16 मिनट उसको है अराइविंग होने में, तो वो तो खैर अभी आया नहीं है, लेकिन ऑर्डर काफ़ी लेट हो चुके हैं। 16 मिनट अराइविंग है, मतलब अभी उसको आने में टाइम है उतना। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे पराठा रेडी कर लेंगे, तो पराठा भी अपना रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे पैक कर लेंगे तुरंत से। तो नॉर्मल है, इसमें बस रबर बैंड बांधेंगे और दे देंगे। तो अभी मैं नया लाया हूँ कॉन्सेप्ट की रबर बैंड मारने से अच्छा है कि हम एक सीलिंग मशीन ले लें और एल्युमिनियम फाइल को सीधा सील कर दें। तो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है उसका भी, तो जल्दी से वो आ जाएगा, उसके बाद रबर बैंड वाला कंसेप्ट हम लोग हटा देंगे, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता है रबर बैंड बांध के देना, वो पराठा एकदम अंदर जाके सिकुड़ जाता है। तो मुझे ये चीज़ नोटिस हुआ, तो मैंने तुरंत ये ऑर्डर कर दिया एक सीलिंग मशीन। तो इसी तरह इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उस हिसाब से तुरंत इम्प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर को कर दिया है रेडी, और एक और ऑर्डर अभी बाकी है, मतलब दो ऑर्डर और बाकी है, जो रोटी वाला ऑर्डर है वो भी बाकी है अभी। तो यही है, ऐसे ही इम्प्रूव करते हैं हम लोग भी। और मैंने यहाँ पे टाइमर को बढ़ा दिया है 5 मिनट एक्स्ट्रा, ताकि ऑर्डर अभी बनने में 5 मिनट लगेगा। तो फाइनली ये ऑर्डर भी हो गया है रेडी, तो ये तो 15 मिनट से वेट कर रहा है, और लास्ट ऑर्डर तो अभी बना ही नहीं है, वो तो अब बनना चालू होगा। तो ऑर्डर बहुत लेट होते हैं, तो आप लोग पूछते रहते हैं ना ऑर्डर लेट होता है तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं होने का ज़्यादा चांस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कैंसिलेशन चार्ज कस्टमर को देना पड़ता है, इसलिए वो कैंसिल नहीं करते जल्दी। तो मैंने 10 मिनट का एक्स्ट्रा और टाइम ले लिया, और जल्दी से ट्राई करेंगे इसको 10 मिनट के अंदर दे देने का। और स्विगी पे भी एक ऑर्डर था, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये ऑर्डर अभी बाकी है बनाना, तो बिल प्रिंट कर लिया है मैंने, तो पहले रोटी बनेगा उसके बाद ये ऑर्डर को प्रिपेयर करेंगे। तो सारे ऑर्डर हो चुके हैं कंप्लीट, और इस ब्लॉग को भी यहीं पेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कमेंट करिए कि नेक्स्ट ब्लॉग में क्या करूँ। और